सरपंच पंचायत अलका छादोपुर ब्लॉक मनकोट। बताएंगे आज आपका वफद मिला है। आज बेसिकली काफ़ी अरसे से हमारे जो है ना पंचायत घर में पंचायत घर का मामला था जिसमें काफ़ी कशमकशी चल रही थी। इससे पहले भी ऑफिसरों ने वहाँ पर दौरा किया और वो ऑफिसर वगैरह वहाँ पर गए और जो सेंट्रल लोकेटेड इलाका था वो वार्ड नंबर 4 था, उन्होंने वहाँ इलाका का सिलेक्ट भी किया है। लेकिन बदकिस्मती से मुझे समझ नहीं आती है, एक दो उसमें ऑफिसरान कुछ जो लोकल हैं वहाँ के वो मुलव्वस हुए और उन्होंने अपनी मनमानी के तहत, और ख़ास करके एक उधर एक पुलिस वाला है जो ये डिप्टी शायद ये पूंछ में करता है, तो वो अपनी मर्ज़ी से जेसीपी लगा के वो बोलता है जहाँ हम हमारा दिल है हम बना देंगे। बड़ी बदकिस्मती है इस बात की कि कम से कम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं यहाँ पर, इतने इलाका के लोग मौजूद हैं, एक साइड पर तो आप नहीं जा सकते। पचास जो छात ऊपर का इलाका है वो काफ़ी दूर दराज इलाकों पे फैला हुआ है, एक ऐसा इलाका भी है उसमें जिसमें 3 से 3 किलोमीटर लोग पैदल चलकर वहाँ आते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मनमानी के तहत जाके सीधा उसको मग्याद केनी और सलानी के दरमियान जाके उसको वहाँ बनाना शुरू कर दिया है। मैंने रात को फ़ोन किया वीडियो साहब को भी, मैं जनाब ये देखें मामला क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पता ही नहीं है, आप रात को आकर गाड़ी लगा रहे हैं ऐसे लोगों के जो है ना। बाद में लोग मेरे पास आए तो मैंने लोगों को कहा कि कोई बात नहीं हम सुबह जाएंगे डीसी साहब के पास, तो हम यहाँ पे आए, डीसी साहब ने हमारी बात बड़ी गौर से सुनी और मुझे लगा कि वो मैंने जो है ना अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा यहाँ पे आई है सफीसर डीसी साहब देखे हैं कि जिन्होंने इतने प्यार से हमें सुना और बड़े गौर से, कि खुशी हुई मुझे कि आज की तारीख में भी ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। मुझे फ़ख्र है ऐसे अफिसरों पे क्योंकि ये लोग हमारी शान हैं, और उन्होंने हमें पूरा यकीन दिलाया कि आपके साथ पूरा इंसाफ होगा, कोई भी बेइंसाफी नहीं होगी। और बाद में उन्होंने एससीडी साहब को भी बुला कर कहा कि इसको देखें आप, इसको ये जो है काम को बंद करवाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी मन मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता है। यही डीसी साहब के साथ हमारी बात हुई, उन्होंने हमारी बात पूरी गौर से सुनी और मुझे उम्मीद है कि वो जो है ना अब हमारे जो है ना फेवर में ही जो कुछ सेंट्रल प्लेस का इलाका है वहाँ ही पंचायत घर बनेगा, कोई इग्नोर हमें नहीं करेगा, वार्ड नंबर 4 का जो इलाका है उसी में ही बनेगा, जिसके लोम लोगों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई भी अगर एसेट है गवर्नमेंट का तो वो इस वजह से बनना चाहिए कि कम से कम उसका लोगों को फ़ायदा हुआ। और बदकिस्मती है कि मैं वहाँ का सरपंच हूँ, मुझे पूछा तक भी नहीं गया है, अभी तो एट प्रेजेंट मैं सरपंच हूँ, ग्राम पंचायत का एक रेजोल्यूशन हमने पहले भी वीडियो साहब को दिया है 2 नवंबर को, मैं देख रहा हूँ उसमें गौर ही नहीं हुआ, बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन उसको बाईपास अगर करके कोई दूसरी जगह पर जाएगा तो ये बहुत गलत और दुखद बात है, अफसोस होता है।